हैं आप लोग, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी आईटी एक्सपर्ट में। और आपको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि एक विंडो 10 का नया अपडेट आया है जिसका नाम है वर्जन 20H2। इसमें कुछ फीचर्स अपडेट हुए हैं और कुछ सिक्योरिटी अपडेट हुआ है, जिससे हमारी सिक्योरिटी की जो लेवल है इस काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा और हमें अच्छा सिक्योरिटी इसमें मिलेगा। इसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए गए हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम मेरे पास जो एक आइकन आया है, इसके अंदर ये शो कर रहा है कि विंडो 10 का फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है और आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये विंडो 10 के फीचर्स को डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद हमारे इस पी लैपटॉप में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा लैपटॉप है, ये i3 7th जनरेशन है, और इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरा जो रैम और बाकी चीज़ें, हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन कैसा है। तो जस्ट ये ओपन हो गया, आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में i3 7th जनरेशन प्रोसेसर है और 2.40 GHz का इसका फ्रिक्वेंसी है। और ये देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं। और एक्टिवेटेड है क्योंकि ये ओरिजिनल विंडो 10 है, तो इसलिए मेरे मेरे सिस्टम पे अपडेट आया है। तो देखिए अभी विंडो 10 के फीचर्स को वो चेक कर रहा है, और इसमें चेक करने के बाद वो बताएगा कि जो विंडो 10 का जो फीचर्स आया है वो मेरे लैपटॉप के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। जैसे ही कंफर्टेबल वो अपना फीचर्स चेक कर लेगा, जो भी इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करने के बाद तुरंत इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा इसका, और फिर बाद में ये पूरा इंस्टॉल होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे इंस्टॉल हुआ है और इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ,